हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है अब्दुल और आप देख रहे हैं टॉक विद अब्दुल यूट्यूब चैनल। आज अपडेट बहुत बढ़िया है। सीएसआईआर के जितने भी नोटिफिकेशन थे सारे के सारे टेम्परेरी जॉब के हमने देखे थे, आज यहाँ पे परमानेंट जॉब के लिए नोटिफिकेशन आया और आप में से बहुत सारे एलिजिबल है, कोई यहाँ पे गेट एग्जाम नहीं है। तो यार वीडियो को एंड तक जरूर से देखना और पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना अगर आपको करियर गाइडेंस एंड इस तरह की लेटेस्ट जॉब अपडेट्स चाहिए। इसी के साथ हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक का बटन जरूर से प्रेस कर देना। टारगेट रखते 10,000 लाइक्स, जल्दी से कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और आपको मैं यहाँ पे इन्फॉर्म करना चाहूंगा, प्रीलिम्स पैकेज की जो ऑफर है अभी तक की सबसे बेस्ट ऑफर हमने रखी है, आज उसका आखिरी दिन है 31 अक्टूबर। तो एनरोल करना चाहते हो तो जल्दी से कर लो, ये वीडियो देख लो और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दी हुई है। आपको 1500 में पूरे साल के लिए प्रीलिम्स पैकेज मिल रहा है और आज ये ऑफर खत्म हो रही है। 700 के स्पेशल थी तो आज आखिरी दिन है, जल्दी से चेक कर लेना। डिस्क्रिप्शन में आपको डायरेक्ट एनरोल करने की लिंक भी मिल जाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं नोटिफिकेशन की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देता हूं और यहां पे कौन कौन एलिजिबल है। देखो, अगर आप माइनिंग इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हो, केमिकल इंजीनियरिंग से, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, फिर यहां पे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, फिर यहां पे सिविल इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, तो ये सारी ब्रांच वाले तो अप्लाई कर ही सकते हैं। लेकिन उसके इक्विवेलेंट अगर आप हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। और अगर हम यहाँ पे सैलरी की बात करें तो 44,900 बेसिक पे रहेगा, उसके अलावा आपके जो अलाउंस होंगे वो सारे मिल जाएंगे, तो ये बहुत बढ़िया जॉब रहेगी। और अगर हम बात करते हैं आगे एज लिमिट, तो बेसिक यहाँ पे 30 इयर्स है, ओबीसी 33 एंड एससी एसटी वालों के 35 इयर्स एज लिमिट है। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ माइनिंग के लिए जो है MINTO 20 माइनिंग के लिए है और इसका जॉब डिस्क्रिप्शन, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, ये सारी चीजें आपको डिस्प्ले हो रही होगी। फिर यहाँ पे केमिकल के लिए भी सेम आपको डिस्प्ले हो रही होगी। लास्ट कॉलम में आपको नंबर ऑफ वैकेंसीज उस ब्रांच के रिलेटेड मिल जाएगी। अगर हम कंप्यूटर साइंस के बारे में बात करें तो उसके रिलेटेड भी आपको इमेज दिख रही होगी, जॉब डिस्क्रिप्शन आ गया, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन आ गया। उसके बाद अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जो भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इनके लिए भी जो भी जॉब डिस्क्रिप्शन है वो आपको यहां पे दिख रहा होगा। उसके बाद सिविल के लिए भी यहां पे है, एनवायरमेंटल के लिए है, मेटलर्जिकल के लिए है। तो ये वन बाय वन सारे के सारे आपको यहाँ पे इमेजेस मिल जाएंगे। आप जो भी ब्रांच से बिलोंग करते हो उसको आप यहाँ पे आराम से पढ़ लीजिए। सारे पोस्ट कोड का खास ध्यान रखना क्योंकि वो आपको आगे काम लगेंगे। नाउ आपको ऐसा लग रहा होगा कि इसकी फीस बहुत ज्यादा होगी, 1000, मुझे भी ऐसा ही लगा था, लेकिन नोटिफिकेशन ओपन किया तो यार बहुत मजा आ गया। 100 rupees फीस है इसकी, वो भी अनरिजर्व्ड के लिए रखी हुई है। अगर आप वुमेन हो, एससी एसटी कैंडिडेट हो तो यार आपको तो फीस नहीं लगने वाली है, आप आराम से अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अनरिजर्व्ड वालों के लिए भी यहाँ पे इतनी कोई ज्यादा फीस नहीं है, 100 rupees है, तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। पेमेंट आपको यहाँ पे ऑनलाइन करना रहेगा। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो मोड ऑफ सिलेक्शन में इन्होंने कहा हुआ है कि भाई आपकी रिटन टेस्ट हो सकती है या ट्रेड टेस्ट हो सकती है और उस बेसिस पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। यहाँ पे इंटरव्यू के बारे में कोई बात नहीं की गई है, तो इंटरव्यू भी यहाँ पे नहीं होने वाला है। गेट एग्जाम के थ्रू तो सिलेक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन इसके अलावा यहाँ पे जो इंटरव्यू जो है वो भी इन्होंने कुछ बताया नहीं है। होगा तो भी इंटरव्यू बहुत बेसिक सा होगा, अगर उसकी इंपॉर्टेंस तो जरूर से नोटिफिकेशन में बता देते। तो यहां पे रिटन टेस्ट, ट्रेड टेस्ट है बेसिक सा, और इसका जो है सिलेबस और जो एग्जाम पैटर्न है वो इन्होंने अभी नहीं बताया हुआ है। हो सकता है आपके अप्लाई करने के बाद आपको मेल के थ्रू ये बताया जाए। अब एक दिमाग में सवाल आया होगा कि 2020 वाले अप्लाई कर सकते हैं। जी हां, आप अप्लाई कर सकते हो 2020 वाले, लेकिन आपका रिजल्ट आ गया होना चाहिए। कब तक? 2 दिसंबर तक आपका रिजल्ट अगर आ जाता है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। इसकी लास्ट डेट जो है वो 2 दिसंबर है। आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है, मतलब 1 महीने से ज्यादा का टाइम हो गया अगर देखने जाए तो आप आराम से सोचिए, अप्लाई कीजिए। 2020 वाले भी यहां पे एलिजिबल होंगे, मैं इसको बताना भूल गया, लेकिन आप एलिजिबल होंगे अगर आपका रिजल्ट आ जाता है तो। नाउ अप्लाई करने की प्रोसीजर जान लेते हैं। तो बहुत सिंपल अप्लाई करने की प्रोसीजर है, आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है। कोशिश करूंगा कि उसका स्क्रीनशॉट आपको मैं यहां पे डिस्प्ले कर दूं, वरना आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक तो मिल ही जाएगी। ये एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करके फिल करना है, साथ ही साथ जो भी रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट्स है, जैसे कि मार्कशीट हो गया, एज का जो सर्टिफिकेट हो गया, फिर अगर एक्सपीरियंस है तो वो लगा देना है, कास्ट अगर आपको लगती है तो वो भी आपको लगा देना है। ये सारे के सारे आपको सर्टिफिकेट्स एक एनवेलॉप में भर के आपको भेजने रहेंगे। कहाँ भेजने रहेंगे तो वो मैं आपको बता देता हूँ, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च, बरवा रोड, धनबाद। ओके, धनबाद में आपको काम करने का मौका मिलेगा और ये जो है 2 दिसंबर 5:30 बजे से पहले पहुंच जाना चाहिए, ऑफिस में पहुंच जाना चाहिए। मतलब अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो समझ के चलो आपको 10 दिन पहले इसको भेज देना होगा। ये स्पीड पोस्ट से जाएगा और एनवेलोप के ऊपर आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ
टेक्निकल ऑफिसर और उसका जो पोस्ट कोड जो है वो आपको लगाना है, साथ ही साथ एडवर्टाइजमेंट नंबर कौन सा रहेगा वो आपको लगाना है। तो एडवर्टाइजमेंट नंबर है 06-2020, ये चीज का खास ध्यान रखना, ये आपको एनवेलोप के ऊपर लिखना रहेगा। अगर हम बात करते हैं तो ये पूरी प्रोसेस अगर आप कंप्लीट करते हो तो आपको हो सकता है इसका आंसर आ जाए। स्क्रीनिंग कमेटी जो है उसका स्क्रीनिंग करेगी एप्लीकेशन का, और आप अगर एलिजिबल होंगे तो आपको यहाँ पे स्किल टेस्ट के लिए या रिटर्न टेस्ट के लिए बताया जाएगा। तो ये पूरी प्रोसेस आपको यहाँ पे करनी रहेगी, बेसिक सी प्रोसेस है। मैंने आपको ऑलमोस्ट सारी चीजें बता दी है, अगर कुछ रह जाता है तो मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। और प्रीलिम्स पैकेज में एनरोल करना चाहते हो तो वेट मत करो, जल्दी से एनरोल कर लो। और ये नोटिफिकेशन में भी अप्लाई करना चाहते हो और अगर आपको ऐसा लगता है जॉब लग जाएगी तो अप्लाई जरूर से कर देना, बहुत ही बढ़िया जॉब है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जॉब अपडेट में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।